गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन 1 to 4 कर चुके हैं। आज क्वेश्चन 5 करेंगे। क्वेश्चन 5 है कन्वर्ट इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखी है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का फॉर्मूला है होल नंबर इनटू डेनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर। तो हमको डिजिट दे रखी है 11, 1/7। तो 11 तो होल नंबर है यानी क्यूटेंट है, 1 न्यूमरेटर है, 7 डेनोमिनेटर है। तो फॉर्मूला क्या है, होल नंबर इनटू डेनोमिनेटर। होल नंबर है 11 इनटू डेनोमिनेटर है 7, तो 11 इंटू 7 प्लस न्यूमरेटर है 1। ये मैंने आपको फार्मूला लिखा है, फार्मूले में ये डिजिट लिखनी है आपको, अपॉन डेनोमिनेटर 7 है तो 7 आएगा। तो 11 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 7 जा 77 प्लस 1/7। 77 में 1 को प्लस करेंगे तो डिजिट आ जाएगी 78/7। ये मैंने आपको एक सम बता दिया है इसका, इसके बाकी के सम क्वेश्चन 5 के आपको करने हैं। इम्प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है। क्वेश्चन 6 से कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। पहले अपन ने क्वेश्चन 5 में मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में बदला है, अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है। तो डिजिट दे रखिए 54/19। 54 में 19 का डिवाइड करेंगे, 19 लिख दिया, डिवाइज़र 19 है, 54 डिजिट है। 54 में 19 का डिवाइड करेंगे तो 19 की टेबल बोलेंगे कि 54 से कम आए। 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57। 57 54 से ज़्यादा हो जाता है इसलिए 19 2 जा करेंगे। 54 के नीचे 38 लिखेंगे और क्विटियन 2 आ जाएगा। 54 में से 38 को माइनस करने पे रिमाइंडर आता है 16। तो 2 तो क्विटियन भी कहते हैं, इसको होल नंबर भी कहते हैं। जो आंसर आता है डिवाइजर, जिस डिजिट का डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर और डिनोमिनेटर भी कहते हैं। 16 उसको रिमाइंडर और न्यूमरेटर कहते हैं। तो 54/19 डिजिट का मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा, क्विटियन यानि होल नंबर, फिर 16/19 यानि रिमाइंडर अपन डिवाइज़र। ये आपको सम करने हैं। मैंने क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 का 1-1 आपको समझा दिया है, बाकी के 5 और 6 का 1-1 क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है, बाकी के आपको ये 3-3 सम आपको करने हैं। सही सही डिजिट उतारिए, सही मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए। मैंने आपको फॉर्मूले दोनों के बता दिए, फॉर्मूले में डिजिट रख के आपको ये सॉल्व करना है। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।